भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकारिणी की बैठक रानी डिया स्थित एक लॉन में संपन्न हुआ। बैठक में संगठन के मजबूती के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में पुनः सरकार बनाने की रणनीति तैयार की गई, जिसके संबंध में पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ पार्टी आगामी कार्यक्रम और अभियान चलाने वाली है, जिसके संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। इसके अलावा जिला कार्य समिति के बैठक के बाद अगस्त के पहले सप्ताह में सभी मंडलों कार्य समिति की बैठक आयोजित किया जाएगा और विशेष रूप से वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में सभी केंद्रों पर हमारे कार्यकर्ता सहयोग करने का कार्य करेंगे तथा गुरु पूर्णिमा के दिन जो भी मठ मंदिर और संत महाजन को पार्टी के जनप्रतिनिधि एवं नेता उनको अंगवस्त्र एवं फल देकर उनको सम्मानित करेंगे और उनका आशीर्वाद लेकर आएंगे तथा 25 जुलाई को प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के लिए पार्टी के जनप्रतिनिधि हर एक बूथ पर जाकर मन की बात सुनेंगे और 26 जुलाई से 31 जुलाई तक सभी जिला पंचायत सदस्य, वीडीसी सदस्य, ब्लॉक प्रमुखों को उनका सभी ब्लॉकों पर सम्मान किया जाएगा। बैठक में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पूर्व महापौर सत्या पांडे, ब्लॉक प्रमुख शिव प्रसाद जायसवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, और ममता सिंह सभी अतिथियों का स्वागत है। आज ये कार्य समिति की बैठक यहाँ इंद्रप्रस्थ लान में आयोजित हो रही है, गोरखपुर महानगर में चलाए गए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी पिछले दिनों भारत प्रदेश सरकार लोकप्रिय प्रदेश सरकार के पूर्व संध्या पर कार्यक्रम हो या उनकी जयंती पर कार्यक्रम, मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम हो, हर प्रत्येक गांव में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के द्वारा सेवा का कार्य हो, क्योंकि हम सभी राजनीति में राजनीति के लिए नहीं आए हैं, सेवा के लिए आए हैं। हम सभी सेवा के कार्य को चरितार्थ करते हुए सभी गांव में सैनिटाइजर वितरण, मास्क वितरण, राशन किट वितरण और सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस कोरोना के काल में हुआ। लगातार आप सभी कोविड के काल में लगातार सेवा का कार्य किए और सेवा का कार्य अब तक करते आ रहे हैं। जैसे इस समय लगातार जो अभियान चल रहे हैं वैक्सीनेशन केंद्रों पर अभियान चल रहा है कि वहां अपने वॉलंटियर खड़े हो, आप सभी वहां वॉलंटियर के तौर पर खड़े होकर कार्य कर रहे हैं। जो प्रदेश से हम केंद्र सरकार के द्वारा राशन वितरण, निःशुल्क राशन वितरण की व्यवस्था हो, उसमें भी आप सभी खड़े होकर सहयोग कर रहे हैं और आगे उसमें हम सभी जनप्रतिनिधियों से बात करके झोले का वितरण भी कराएंगे ताकि उसमें झोला में ही सामग्री दिया जा सके एवं आप सभी रक्तदान का भी कार्यक्रम आयोजित किए। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी आज के इस कार्य समिति की बैठक में ममता सिंह सभी नेताओं का एवं आप सभी कार्य समिति के सदस्यगण, महानगर के सभी पदाधिकारीगण, मंडल के सभी सम्मानित अध्यक्ष एवं प्रभारीगण, पार्षद के विभिन्न पदों पर रहते हुए दो बार महानगर के अध्यक्ष के रूप में हम सभी का नेतृत्व करने वाले और आज हम ऐसे उस कार्यक्रम में सफल हो सकते हैं, हम सभी का मार्गदर्शन देते हुए अपने उद्बोधन से हम सभी को प्रेरित करने का कार्य करें आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को। इसलिए ये गीता प्रेस की धरती, भगवान गोरखनाथ की धरती जो दुनिया को संदेश देने वाली है, एक बार भारत माता की जय जयकार इस बुलंदी के साथ होनी चाहिए। कार्य समिति की बैठक में आप यहाँ उपस्थित हैं, एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष विजय दर्ज की है, वहीं गोरखपुर में भी हमने जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध और गोरखपुर के 20 ब्लॉक प्रमुखों में 18 ब्लॉक प्रमुखों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया है। उस सब में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। यहाँ भी गोरखपुर महानगर में चूंकि एक ही ब्लॉक है, लेकिन ये सुखद संयोग है कि हमारे महानगर के एक पदाधिकारी रण विजय सिंह मुन्ना जो चरगावा के ब्लॉक प्रमुख बने हैं और शिव प्रसाद जायसवाल
हमारे हाथ जो घोराबार के ब्लॉक प्रमुख बने हैं, आप सब दोनों का भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। मैं आज की इस बैठक में आगामी कार्यक्रम और योजनाओं के बारे में, हमारे अभियान क्या है, कार्यक्रम क्या है, उन सब के बारे में विस्तार से विषय रखूं। मुझे लगता है कि वो विषय आगे चल भी रहे हैं और महानगर अध्यक्ष जी ने मुझे लगता है उन सब विषयों को थोड़ा थोड़ा टच भी कर दिया है, तो इसलिए मेरा काम और आसान हो गया है। लेकिन एक बात जरूर मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा, हम सब को इस बात का गौरव है, इस बात का गर्व है, हम सब गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ता है, गोरखपुर जिले के निवासी हैं। आज दुनिया के किसी देश में, भारत के किसी प्रांत में कोई जाता है और कहता है गोरखपुर का रहने वाला हूं तो लोग कहते हैं चाहे योगी जी के गोरखपुर के। आज हिंदुस्तान के अंदर किसी भी प्रांत में कोई चुनाव होता है तो वहां सबसे अधिक जो पब्लिक, जो जनाजी महाराज गोरखपुर के जब सांसद हुआ करते थे तो हिंदुत्व और विकास के मिशन पर वो जब चुनाव लड़ते थे तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को छोड़ दिया जाए तो सपा और बसपा की सरकारें गोरखपुर के साथ भेदभाव करती थी, गोरखपुर में विकास न हो सके, ये लगातार अड़ंगा डालने का काम करती थी। आप सब कार्यकर्ता हैं, क्या आपको वो दिन भूल गया जब आए दिन हर दो दिन, हर एक दिन पर दो दिन पर बिजली की समस्या को लेकर के थरने पर बैठना पड़ता था, मेडिकल कॉलेज की समस्या को लेकर के मेडिकल कॉलेज से लेकर कमिश्नर आवास तक पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, रोज धरना प्रदर्शन होगा करते थे, हम सब भूल गए हैं। गोरखपुर में विकास के लिए तरसते थे, किसी मोहल्ले में किसी वार्ड में हमारे यहाँ सम्मानित पार्षद कर भी बैठे, दो चार पोल लगाना पड़ता था तो जनप्रतिनिधियों के यहाँ बार बार आग्रह करना पड़ता था, कोई देवता देता था। गोरखपुर के जर्जर तार बदल दिए जाए, एक साथ एक ही बार में सैकड़ों सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन हो जाए, ये कभी कोई कल्पना किया था क्या? जब तुलना करेंगे तो ध्यान में आएगा, गोरखपुर महानगर के अंदर मुझे ध्यान में है, हम सब कोई आयोजन करते थे, एमपी ग्राउंड एक दिखता था, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का मैदान, पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में जिला कार्य समिति की बैठक चल रही है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज गोरखपुर महानगर की ये कार्य समिति की बैठक थी जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ हम आगामी कार्यक्रम और अभियान जो चलाने वाले हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक इस कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुई है। हम अभी जिला कार्य समिति के बाद अगस्त के पहले सप्ताह में सभी मंडलों की कार्य समिति की बैठक करेंगे और विशेष रूप से 23, 24 और 25 जुलाई को ही जो वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा जो निःशुल्क वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहे हैं, उस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में सभी केंद्रों पर हमारे दो दो कार्यकर्ता हेल्प डेस्क बना करके हमारे सभी जनप्रतिनिधि उसमें सहयोग करने का काम करेंगे। 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, हम सब ने तय किया है कि हमारे सभी जिलों में जो मठ मंदिर हैं, जो हमारे संत महात्मा हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं, उन सब जगहों पर हमारे सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि, सभी नेता जाएंगे और उनका सम्मान करेंगे, उनको अंग वस्त्र देकर के सम्मान करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेकर आएंगे। 25 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी मन की बात करेंगे और उस मन की बात में हमारे सभी पार्टी के नेता और पदाधिकारी जनप्रतिनिधि एक एक बूथ पर जाएंगे और उस बूथ पर मन की बात सुनेंगे और मन की बात सुनने के बाद वो बूथ वैक्सीनेशन युक्त हो जाए, 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएं, उसके लिए भी वहां संपर्क करके जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे। 26 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच हमारे सभी ब्लॉकों में जो हमारे
भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता जो प्रधान बने हैं, बीडीसी बने हैं, जिला पंचायत के सदस्य बने हैं, उन सब के अभिनंदन का कार्यक्रम भी सभी ब्लॉकों में 26 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में होगा। यानी इस प्रकार से बहुत सारे आगामी कार्यक्रम जो हमने तय किए हैं, उन सब आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तारपूर्वक इस कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुई है, योजना बनी है और उसको हम क्रियान्वित करेंगे।